नमस्कार, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का, दोस्तों पेपर है टैक्सेस वाला। ओके, तो इसमें देखने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर, ये भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। 50% आपको हल करने, जैसे यहाँ पे टोटल पूर्णांक दे रखा है 40, तो 40 में से आपको 50 करना है, 20 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन हल करने होते हैं। कितने का भी आइए 50% करना कि आधा हल करना है, आधे पूर्णांक। बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो फर्स्ट में क्या है पूछा, यहाँ पे तीन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं जो तीन तीन नंबर के हैं। एक है, फर्स्ट है पठन कौशल के उद्देश्यों को लिखिए, नेक्स्ट है आत्मकथा का अर्थ और परिभाषा को लिखिए, उसके बाद हम बात करें नाट्य के मुख्य प्रकारों के बारे में लिखिए, जीवनी एवं आत्मकथा में क्या अंतर है, पैनल परिचर्चा से आपका क्या अभिप्राय है, संदर्भ पुस्तकों की क्या उपयोगिता है। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, समीक्षा से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है छात्र छात्रों में पाठ लेखन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन विमर्श से आपका महत्व है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है, बीएड पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम में की उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता हूँ, दे रखा एक शोध योजना तैयार कीजिए, संदर्भ पुस्तकों का शोध योजना तैयार करने में क्या महत्व है। उसके बाद में फोर क्वेश्चन पूछा है, विचार गोष्ठी सिंपोजियम तकनीकी क्या है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, इनके गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे अथवा में पूछा है, देख सकते हैं निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। एक तो होगा आलेखन की विशेषताएं होगी, नाटकीय घटनाएं होगी, मस्तिष्क चित्र हो गया, विज्ञापन हो गया। तो दोस्तों ये पेपर आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल 40 नंबर का, इसमें आपको 20 नंबर के क्या करने हैं, अभी क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही आपको लगातार पेपर मिलते रहेंगे। RRB यूनिवर्सिटी का दोस्तों ये पेपर है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।